हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत हेयर केयर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। गाइस आज हम आपको कट बताने वाले हैं, थोड़ा सा लेयर कट और हल्का 180 और 90 डिग्री में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को लेयर्स ज़्यादा चाहिए थी तो हम थोड़ा सा इसको और मूव करेंगे, पूरा 180 भी नहीं होगा, ये 90 होगा, ठीक है। तो कट की गाइडलाइन ये रहेगी, और जिसका भी ज़्यादा थिन नहीं हो, आप ऐसा मत करिए कि उसकी टेल बन जाए। तो इस तरीके से करना है कि क्लाइंट का पीछे हेल्दी हेयर भी दिखे और कट भी अच्छा हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, है ना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कट इस तरीके से करना है कि उनको लेंथ भी मेंटेन करनी है और कट भी हो जाए अच्छे से। ये थोड़ा सा बाहर सनलाइट का हो रहा है इसलिए हल्का सा धुंधला सा दिख रहा है, अदरवाइज हाँ ये बाहर की लाइट का फोकस हो रहा था कैमरा, तो थोड़ा धुंधला दिख रहा है गाइस, नेवर माइंड। ये वाली वीडियो अब बहुत अच्छी होने वाली है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए बनाया है। ये बीच से हम गाइडलाइन लेंगे इसकी, देन इसको भी हम धटक कर देंगे जो बाल लिया हमने। अब इसको थोड़ा हल्का सा पिक्सी स्टाइल में करेंगे कि और अच्छे से नीचे से एनहांस देखे कि टेल ना दिखे। ऐसे आप भी अगर समर हेयर केयर में आप बता सकते हैं किसी का अब इनका बाल पतला है और सिल्की है, पतला और सिल्की बाल अगर आप लेयर कट करते हो तो वो नहीं रुकेगा इतना, ठीक है। कट भी आपको बहुत सोच समझ के करना है कि क्लाइंट में, तभी तो बोलता हूँ जब आप मास्टर बन जाते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा कट कैसे करना है। तो ये हमने इसको लेके पूरा पिक्सी स्टाइल में हमने बॉक्स सेक्शन बना लिया। पहले हमने इसे रिवर्स करा यानी कि 180 और 90 डिग्री के बीच। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पिक्सी स्टाइल में करेंगे जिससे क्या होगा, हेयर का वॉल्यूम दिखेगा, है ना। तो हमने तीन कट मिक्स करने हैं, इसमें तीन कट मिक्स करें हैं फिर जाके ये अच्छा कट बनेगा। अगर मैं इसको सिर्फ लेयर लेयर कर देता तो वैसे बहुत पतला सा दिखता है, तो मैंने इसे लेयर प्लस पिक्सी प्लस आप देखना थोड़ा सा लेजर में भी करूँगा। तो अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मोटिवेशनल वीडियो आने वाली हैं आपको, मैं हेयर केयर की वीडियो टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। मगर है कि आपकी डिमांड पे डालूँगा, अगर आप बोलोगे तो तभी, है ना। यहाँ पे हेयर कट की तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं, आप रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ट्रांसफॉर्म कैसे करना है अपने हेयर को, अब देखो मैंने 2 डिग्रियों में इसको मिक्स कराया है। आप भी मास्टर बन सकते हो धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, पहले आप सीखिए अच्छे से, है ना। बेसिक कट सीखिए, स्ट्रेट कट होता है, यू कट होता है, वी कट होता है, ये कैसे करना है। सबसे टफ मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, आपका स्ट्रेट कट ही रहेगा। आप स्ट्रेट लाइन कट करते करते आपको सालों हो जाएंगे, आप स्ट्रेट नहीं ला पाओगे, है ना। तो सबसे इंडस्ट्री का टफ कट होता है स्ट्रेट कट, और लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, आसान नहीं है गाइस। जब आप हेयर कट कर देते हो, आप जितनी बार कट करोगे तो आपको थोड़ा 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 ऊंचा नीचा दिखेगा ही दिखेगा। तो ये क्लाइंट का हमने वो पिक्सी स्टाइल में कर दिया, अब हम इसको पूरा लेके ऊपर 90 डिग्री में रीचेक करेंगे, एयर टू एयर पार्टीशन लेके, ये जो हल्का था इसको थोड़ी नोचिंग करेंगे, सेम एस इसको एक साइड में लेके जाएंगे। अब जो हल्का आपको दिख रहा है कि ये टेल की तरह दिखेगा, उसे कट कर देना। अब हम इसको ला के जाके लेज़र स्टाइल में कर देंगे। अगर क्लाइंट खुद भी ब्रश भी मारेगा या कोम मारेंगे ना तो बहुत अच्छा दिखने वाला है। देन हम ऐसे सेम साइड, गाइस कट तो दुनिया का कोई भी कट करा लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कट्स हैं।
जहाँ पे क्लाइंट का लेंथ भी मेंटेन रहती है, वॉल्यूम रहता है और बहुत अच्छे से स्टाइलिंग दिखती है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कट करा आगे आके से डिवाइस कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही चलना है कट के साथ, कट की डिग्रियों के साथ। सेम हमने लेना है, ये कट कर दिया। अब देखिए आगे से लेज़र टाइप दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ी सी हल्की से फ्लिक्स करेंगे ऑन क्लाइंट डिमांड। तो आपको फ्लिक्स भी पूछना है, अपनी मर्जी से नहीं करनी है गाइस, पूछना है क्लाइंट को कितनी फ्लिक्स चाहिए उनको, कितनी छोटी चाहिए, कितना बड़ा चाहिए ना। तो ये सब काम ठीक है गाइस, ये लिया हमने, ऐसे थोड़ा सा नोचिंग करेंगे और अच्छे, जिससे और अच्छा दिख सके हमारा कट। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और ऐसे ही रोचक और जानकारी वीडियो अभी वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा। ये मैंने कोई ड्रायर नहीं करा, विदाउट ड्रायर है। देखिए नाइस, जस्ट मैंने कॉम से इसको सेट करा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।